फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर मैक्रों का स्वागत खुद पीएम ने किया। हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां आप फ्रांस के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत होता हुआ देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर सोलर प्लांट का उद्घाटन करते हुए दोनों प्रधानमंत्री यहां पर जो मौजूद हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में ये सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। बनारस में दोनों नेता हस्तशिल्प संकुल भी गए, जहां परंपरागत तरीके से दोनों का स्वागत किया गया। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के काशी दौरे के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी नाव पर चर्चा की है। पहले से सजी नाव पर दोनों नेताओं ने काफी देर गंगा नदी में बीचों बीच बातचीत की। तो भारत और फ्रांस की दोस्ती में आज एक नई शुरुआत हुई। यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। 650 करोड़ की लागत से बना यह सोलर पावर प्लांट 75 मेगावाट की क्षमता वाला है। यूपी के सबसे बड़े सोलर प्लांट को फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। मिर्जापुर के दादर कला में तैयार सोलर प्लांट से रोजाना 5 लाख यूनिट बिजली बनेगी, जिससे करीब 1.5 लाख परिवारों को बिजली मिल सकेगी। सोलर प्लांट के यूपी नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी और फ्रेंच कंपनी सोलर डायरेक्ट ने मिलकर काम किया। यह संयंत्र करीब 388 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।